ये आपकी भी तो परीक्षा हो सकती है। भगवान आपको भी तो देख रहे हैं कि आप उपदेश ही केवल देते हैं या आपके भी जीवन में कुछ है, इसलिए आप खुद देखो आपके जीवन में क्या है। और आप दो चार दिन आपको थोड़ा परेशानी पड़ेगी किसी भी संयम को धारण करने के लिए, आप उसे धारण कीजिए, फिर आप देखिएगा। अगर आप 15-20 दिन ऐसे संयम से चले फिर आपको हम ही छूट दे दें तो आप कहोगे नहीं बस ऐसा ही ठीक है। पूज्य श्री गुरु जी के द्वारा इस प्रवचन में बताई गई बातों को भगवत मार्ग पर चलने वाले सन्यासी और गृहस्थ मार्ग में चलकर भगवत प्राप्ति करने के इच्छुक हर व्यक्ति को जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि इन बातों को समझकर हम अपने नाम जप और भक्ति को सिद्ध कर सकते हैं तथा अपने जीवन में बनाए गए लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। राधे राधे। आराध्य देव गुरुदेव के वचनों में अविश्वास पैदा कर दे, हमारी भक्ति को बाधित कर दे, चाहे वो स्त्री शरीर हो, चाहे वो पुरुष शरीर हो, चाहे वो कोई विषय ही क्यों ना हो, हमें उससे संपर्क नहीं रखना। भगवद विमुख करने वाले पुरुषों का संग नहीं करना पहला लक्षण है। आराध्य देव गुरुदेव की प्रति अश्रद्धा अरुचि पैदा करवा दे, ऐसे बहिर्मुख कुशंगी का संग नहीं करना, चाहे वो स्त्री शरीरदारी हो, चाहे वो पुरुष शरीरदारी हो, या कोई विषय ही क्यों ना हो। जिस विषय के सेवन से आराध्य देव गुरुदेव के प्रतिकूल आचरण बन जाए हमें वो विषय सेवन नहीं करना। अधिक बोलना, मननशील महात्मा को ज्यादा बोलने का अवसर नहीं है। प्राय आप देखना भजनानंदी उपासक मौन व्रति मिलेंगे, एक होता है जड़ मौन और एक होता है विचार मौन। उपासक को विचार मौन रहना ही चाहिए, आवश्यक है तो उत्तर दे दिया कम शब्दों में, अनावश्यक बात बोलनी ही नहीं है, कोई चाहे नाराज हो या प्रसन्न हो हमें इससे मतलब नहीं। हमें अपने सिद्धांत से चलना है, बैठ करके गप्पे नहीं मारनी। अधिक बोलना ये भजन में बहुत बड़ा विघ्न पैदा कर देगा। कैसा? सबसे अधिक पाप वाणी से बनता है, क्योंकि हम इसे समझ नहीं पाते। किसी की भी निंदा करने में जो हमें पाप बनता है वो बहुत बड़ी गठरी होती है। पर निंदा की कीते आवत नहीं कछुआत मूरख पर्वत पाप को, पर्वत पाप को ले चल अपने साथ, बड़ा भारी पहाड़ पाप का रख लिया। और भजनानंदी उपासक को इस समय कहा है किसी के विषय में बोलने का, पर देखो अपने लोगों में अगर ये विघ्न है अधिक बोलना तो दो बातें आ ही जाएंगी, किसी की स्तुति और किसी की निंदा, किसी के गुण का वर्णन और किसी के अवगुण का वर्णन, ये आपके भजन में बाधा पहुंचा देगा। अधिक बोलने से मिथ्या भाषण निकल जाएगा, अधिक बोलने से किसी की निंदा निकल जाएगी, ये आपके लिए हानिकारक होगा। अहितकारी वचन, मिथ्या वचन, निंदा से भरे वचन, ये हमारे जिव्या में नाम भगवान को प्रकाशित नहीं होने देंगे। मंत्र में रुचि नहीं हो पाएगी। नवीन नवीन भोगों को भोगने की इच्छा रखना, आज ऐसे भोजन बनाया जाए, आज ऐसे किया जाए, आज ऐसे किए, किसी भी विश इंद्रियजन्य भोग को नवीन नवीन प्रक्रिया से भोगने की इच्छा रखना, ये भजन के लिए बहुत हानिकारक है। शरीर के प्राण पोषण के लिए ही हमें केवल अन्न जल आदि का आवश्यक ग्रहण करना होगा, जिससे हमारा शरीर भजन मार्ग में सहायता दे। बस अगर इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करना है तो आपको चारों तरफ से अपने आप को घेरना होगा। अगर हमारी इंद्रियां हमारा मन विषय सेवन में ही बना रहा तो भगवदानंद किससे हम अनुभव करेंगे, कैसे हम भगवत चिंतन में तन्मय होंगे? बिना तन्मयता के आराध्य देव की अनुभूति नहीं होती। अधिक सोना, जो बहुत नींद लेते हैं तो तमोगुण की अधिकता के कारण भजन नहीं बनता है। अगर हम विषय सेवन में रुचि रखेंगे तो हमारी रुचि भजन की कैसे बनेगी? तो अधिक नींद लेने का यह स्वभाव उपासक को छोड़ना पड़ेगा, बिल्कुल ना सोना और बहुत सोना। आगे के श्लोक में भगवान मना करते हैं, दोनों को योग सिद्ध नहीं होता। बिल्कुल ना पाना और बहुत पाना, दोनों को योग सिद्ध नहीं होता। तो अधिक नींद लेना, इस पे शासन करो यदि भगवत प्राप्ति करना चाहते हो। अधिक भोजन, सच्ची मानिए
ये अनुभव की बात कहते हैं। अल्पाहार और अधिक भोजन दोनों आप करके देख लो, अधिक भोजन करने वाले की भजन में रुचि नहीं रहेगी। अगर दोनों टाइम आप भोजन जितना चाहिए उससे अधिक लोगे तो आप ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकते, आप भजन कर ही नहीं सकते, आपकी भजन में रुचि नहीं रहेगी, वो एक खिलवाड़ केवल होता रहेगा, दिन पार होता रहेगा। आप दो चार दिन आपको थोड़ा परेशानी पड़ेगी किसी भी संयम को धारण करने के लिए, आप उसे धारण कीजिए फिर आप देखिएगा। अगर आप 15-20 दिन ऐसे संयम से चले फिर आपको हम ही छूट दे दें तो आप कहोगे नहीं बस ऐसा ही ठीक है। धीरे धीरे आपको हर इंद्रिय हर वृत्ति को अपने आराध्य देव प्रियालाल में समर्पित करना है। रोज का रोज हमारी आयु नष्ट हो रही है, हमारा लक्ष्य केवल यही बना हुआ है संसार के भोग। सोचो हम कहां खड़े हैं, हमें कहां पहुंचना है। उपासक होकर हंसी मजाक गंदी करना, उपासक भी हंसते हैं अपने आराध्य देव की, अपने उपासना की, उपासक जन मिलकर वार्ता, ऐसा नहीं कि संसारिक उनको कॉमेडी उनको सुन के हंसना पड़े, उनको प्रोग्राम देखना पड़े कि हाँ चल रहा है कॉमेडी को हम हंस रहे हैं, ये साधना है क्या हंसने के लिए? तुम्हें तो प्रियालाल बहुत है, हास परिहास रसिका या उपासक जन आपस में बैठ करके भगवत वार्ता पवित्र वार्ता से विनोद, नहीं तो विनोद की ठौर कहाँ है। बिल्कुल नारायण हरि भजन में पाचो न सुहात विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहु बात। तो हंसी मजाक करना ये उपासक का भजन का विघ्न है, ऐसा न करें। अपने रिश्ते नातेदारों के प्रति आसक्त हो जाना, जैसे स्त्री पुत्र और भी जो संबंध है इनमें आसक्त, भजन नहीं बन पाएगा। सबकी ममता ताग बटोरी मम पद मन ही बांध बटोरी, क्रोधी स्वभाव बना लेना, जरा कोई बात करे तो बस एकदम गुस्सा हो। नहीं, आप भजन करने वाले हो, कभी कभी किसी की प्रतिकूल चेष्टा, अब जैसे आप परमार्थ में चल रहे हैं, किसी को परमार्थ संबंधी ही आप सावधान कर रहे हो, आपके सामने ही प्रतिकूल आचरण कर रहा है, आपको गुस्सा नहीं होना है। ये आपकी भी तो परीक्षा हो सकती है, भगवान आपको भी तो देख रहे हैं कि आप उपदेश ही केवल देते हैं या आपके भी जीवन में कुछ है, इसलिए आप खुद देखो आपके जीवन में क्या है। उस समय आप प्रशांत आत्मा विवेक के द्वारा अगर कहीं भी स्मरण हो रहा है क्रोध आत्मा, उसे शांत कीजिए। वो क्रोध दूसरे का अहित करेगा कि नहीं करेगा, पर आपका अहित हो जाएगा, आपका हृदय पवित्र हो जाएगा, आपके हृदय में जलन पैदा हो जाएगी। क्रोध रूपी विकार भजन को बहुत ज्यादा ढकता है। गुस्सा नहीं करनी, क्रोध नहीं आने देना अंदर से, हिंसा करना। हिंसा वाणी से भी होती है, मन से भी होती है और शरीर से भी होती है। जो भगवत मार्ग का पथिक है सावधान रहता है, शरीर से तो हिंसा मुश्किल ही बनती है। किसी भी जीव को कष्ट देने का स्वभाव होने वाला साधक कैसे हो सकता है? किसी भी जीव को पीड़ा देने वाला कैसे साधक हो? परमार्थ का पथिक वो हो ही नहीं सकता, वो तो नाटकबाजी है। किसी भी जीव को शरीर से पीड़ा कैसे दे सकता है? वो नहीं दे सकता। बड़ी सावधानी रखने की जरूरत है। किसी भी जीव को नहीं, साफ साफ मारो मारो मारो, बिच्छी मारो, कुछ को देखते छिपकली ऐसे भयभीत हो जैसे मगरमच्छ हो छिपकली, हाँ उसको निकाल के मार, ये बिल्कुल सावधान। आपका लक्ष्य प्रभु है तो आप में सबको प्रभु को देखना। हिंसा ना तो शरीर से होनी चाहिए, और बाणी से भी हिंसा होती है। किसी के दिल में दुख पहुंचाने वाली बाणी बोलना है हिंसात्मक बाणी है। सबके दिल में दिलवर वास करता है, उसी की हम उपासना करते हैं। हमको ऐसे कठोर वचन नहीं बोलने हैं जिससे उसका हृदय दुखी हो जाए। हम अपनी बात कह देते हैं ना मानो आपका, देखो भगवान गीता जी बोल दिए ना, मानो या ना मानो तुम्हारी बात है। मानोगे तो भगवद आनंद में रहोगे, नहीं मानोगे तो विषयानंद में डूबोगे। काम विकार ये चाहे कर्म मार्ग का पथिक हो, कर्मयोग भक्ति योग ज्ञान योग, ये तीनों मार्गों में अपना एक छत्र बाधा का राज्य उपस्थित करता है काम। ये छोटी मोटी शक्ति नहीं, चाहे ज्ञान मार्ग में हो, चाहे कर्मयोग मार्ग में हो, चाहे भक्ति योग मार्ग में हो, ये ऐसा भागवतिक सैनिक है कि हर जगह इसका प्रवेश है, विघ्न पहुंचाने की इसमें ताकत है। इसीलिए सब इससे डरते रहते हैं। अगर इससे डरते रहोगे
तो निर्भय हो जाओगे, और इससे डरना बंद कर दोगे तो फिर डर तुम्हें कभी छोड़ेगा भी नहीं। ध्यान रखना ये बात से डरते। एक संत भगवान कह रहे थे काला सर्प काट ले तो उसका उपचार हो सकता है, लेकिन ये काम अपना अधिकार हृदय पे कर ले, ये डस ले, इसका उपचार नहीं हो सकता। ये ऐसा जहर है कि वो लहरें लेते रहो, पूरा जीवन वो नशा चढ़ा रहेगा उसका, और जैसे जैसे आपकी आयु कम होती जाएगी, मतलब अवस्था शरीर की बढ़ती जाएगी, आयु कम, वैसे वैसे और बढ़ता जाता है। जैसे जैसे आपकी शरीर शक्ति क्षीण होती वैसे ही वासना और रंग लाती, क्योंकि दुर्गति करना है ना। इसे चाहिए कि भगवत नाम और भगवत आश्रय के बल से इस विकार को सह कर शांत किया जाए। जितना आप सहनशील होगे उतने ये शांत होता चला जाएगा। अपनी निंदा होने पर सहन न करना, ये भजन में बाधा है। जब अपनी निंदा हो तो आनंद बनाना चाहिए अंदर से, कि जो हमें प्रारब्ध भोग भोगना था दंड रूप में, वो निंदा करके उसको नष्ट कर रहा है, बड़ी कृपा हुई। अंदर से इस बात को समझिएगा, अगर हमारी कोई निंदा कर रहा है तो हमें आनंदित होना चाहिए, हमारा परमार्थ मार्ग साफ हो रहा है। ध्यान रखना, हमारा परमार्थ मार्ग जो बाधित होने वाला था उसकी निंदा से कट गया। बहुत बड़ा प्रभाव है, बिना भोगे तुम्हारे प्रारब्ध का नाश करा दे वो निंदक है, इससे बड़ा कोई हमारा सहयोगी नहीं है। साधो निंदक मित्र हमारा, क्योंकि उसने हमारे परमार्थ को साफ कर दिया। प्रशंसा करना वाला तो परमार्थ में रोड़ा पैदा कर दिया, देहाभिमान फिर पुष्ट होगा और भगवत चरणारविंद का आश्रय छूट जाएगा। लेकिन निंदा करने वाले ने भगवत आश्रय पुष्ट कर दिया, परमार्थ को बिल्कुल पवित्र और साफ कर दिया। आए हुए पूरे प्रारब्ध को नष्ट करने के लिए ये जो हमारी प्रभु निंदा कराते हैं, बहुत कृपा छुपी हुई इसमें। ये जो हमारी निंदा करने वाले हैं, ये जो हम केवल भोग कर ही उसका समन होता, उस पाप को उस अपराध को अपनी निंदा से, तो निंदा जब हमारी हो रही हो, अपमान हो रहा हो, तो हमें सहन करना चाहिए, हमारे बहुत बड़े बुरे प्रारब्ध का वो निवारण कर रहे हैं। पर ऐसा बहुत कम होता है, जब निंदा होती है तो हम जब उसकी निंदा खुद करने लगते हैं तो उसका परिणाम ही होता है, जो हमारे पास था वो तो था ही और वापस आ जाता है, पर निंदा के किए थे आवत नहीं कछुआत। मूर्ख पर्वत पाप को ले, हमें दूसरे की निंदा नहीं करनी, पर अपनी निंदा हो तो आनंद पूर्वक सहना है, किसी से कहना भी नहीं कि वो हमारी निंदा करता है, नहीं जो पूरा काम होना है उसमें घाटा पड़ जाएगा। परम लाभ की बात है, ध्यान देना, पर ये सहन नहीं होती बिल्कुल, और ये बिल्कुल निर्मल कर देगा आपको। निंदक नियरे राखी आंगन कुटी चवाए, बिना साबुन पानी बिना निर्मल करे हाय। आशा है पूज्य श्री गुरु जी का ये प्रवचन आपके लिए बहुत लाभकारी होगा, और आप इन बातों को अपने जीवन में उतार कर गृहस्थ मार्ग में चलते हुए अपना लक्ष्य और भगवत प्राप्ति दोनों को पूरा कर पाएंगे। श्री गुरु जी के इस प्रवचन से हुए अनुभव को आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमारे परिवार के साथ व्यक्त कर सकते हैं। श्री गुरु जी के मुखारविंद से हमें आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति ऐसे ही होती रहे, भगवान से यही प्रार्थना है। आप सबको प्रेम भरा राधे राधे।